हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाऊंगी छोले पापड़ी चाट। तो पहले हम बना लेते हैं पापड़ी का डो। यहाँ पर मैंने मैदा लिया हुआ है 125 ग्राम। 30 ग्राम के करीब मैं इसमें ऐड कर लूँगी सूजी। सूजी हमें बारीक ही लेनी है। एक पिंच के करीब हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। आधा चम्मच डाल लेते हैं इसमें घी। घी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है। घी हमने ऐड कर लिया है। अभी इसे दोनों हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमने कर लिया है इन सब चीज़ों को। अब हम ले लेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। हमें ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, हल्का ही गर्म पानी लेना है। अब थोड़ा थोड़ा डाल के इसका डो बना लेंगे। ये देखिए, डो हमने इसका बना लिया है। अब ये देखिए, डो हमने बना लिया है इसका। अब हम रख देते हैं इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए, जिससे हमारा डो अच्छे से सेट हो जाए। अब हमारे बैटर को 10 मिनट हो गए हैं रखे हुए। अब हम इसके दो पार्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी लोई बना ली है। अब हम एक बेलन लेके इसको बेल लेंगे। मैंने इसको लोई को बेल लिया है एक रोटी के आकार में। अब हम लेंगे एक ढक्कन। ढक्कन से इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ कट कर लेंगे। आप अपनी चॉइस से किसी भी साइज में इसको काट सकते हैं। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सारी छोटी छोटी पूड़ियाँ कट कर ली हैं। अब हम लेंगे एक फॉर्क और फॉर्क से इस पर बना लेंगे निशान। ये देखिए, सारी छोटी पूड़ियों पर हमने निशान कर लिए हैं फॉर्क लेके। इससे क्या होगा, हमारी पापड़ियाँ ये फूलेंगी नहीं तलते टाइम। अगर ये फूल जाएंगी तो गोल गप्पे बन जाएंगी, तो इसलिए हमें इन पर निशान बनाना है फॉर्क लेके। आप चाहे तो इसको जब बेलते टाइम भी इस पर निशान बना सकते हो फॉर्क से। तो चलिए फटाफट से अब इनको तल लेते हैं। इधर मैंने ले ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में ले लिया है मैंने रिफाइंड। ये मैं पहले एक बार यूज कर चुकी हूँ, तो मेरे पास रखा था, मैंने यही रिफाइंड ले लिया है यूज़ किया हुआ। तो इसमें ही मैं ये पापड़ी को तल लूँगी। तो चलिए इसको गर्म होने तक इसका वेट कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा डो डाल के इसको चेक कर लेते हैं तेल को, गर्म हुआ या नहीं। ये देखिए, तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें सारी पापड़ियाँ डाल के फ्राई कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। ये देखिए, 4 से 5 पीस मैंने पापड़ी के ऐड कर लिए हैं इसमें। हमें पापड़ी को मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई करना है। पापड़ी हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है और सिक भी गई है, तो इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारी पापड़ियों को फ्राई कर लेंगे। पापड़ी को मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं बॉइल्ड छोले, तो मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी तेल में। छोले भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और गैस को कर देते हैं ऑफ। इधर हमने ले ली है एक प्लेट। अब हम बनाएंगे इसमें पापड़ी चाट। तो इसमें पापड़ी रख लेते हैं। पापड़ी हमने रख ली है प्लेट में। अब डाल लेते हैं इस पर फ्राई किए हुए छोले। छोले भी डाल लिए हैं इसमें। अब डाल देते हैं इस पर दही। दही भी हमने इस पर डाल लिया है। अब डाल लेते हैं इस पर मीठी चटनी। थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं इस पर काला नमक। थोड़ा सा डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं इसका चाट मसाला।
और थोड़े से कर देते हैं इसे अनार के दाने ऐड। ये देखिए चाट पापड़ी हमारी अब बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।